फर्स्ट जैसे अभी वीके फील्डिंग कोच के बाद में आपको स्टेट टीम कब मिला हैंडल करने के लिए अंडर नेक्स्ट ईयर ही फोर्टीन मिला, अंडर्स? मैंने अप्लाई किया था तो नेक्स्ट ईयर ही मुझे ओके अंडर 19 का कोच मिला, 19 का स्टेट लेवल का। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन लकीली मिल गया, बिकॉज दे आर लुकिंग एट यंग कोचेस फॉर यंग, सब सब देखोगे तो वो साल थोड़े से यंग थे। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, यू नो आई वाज, आप बोलेंगे तो थोड़ा अनलकी लकी दोनों था, हम लोग क्वालिफाई नहीं हुए उस साल, लेकिन बट या मैं मैं रोकना चाहूंगा कि आपके पीरियड में जो अंडर 19 की टीम जो थी, तो मेरे ख्याल से आज ऑलमोस्ट सब खेल रहे हैं। हाँ वो वो थोड़ा ब्लैक लॉक के बारे में भी सा, जानना चाहता हूं मैं। यस यस, तो वो थोड़ा सा मैंने जैसे बोला थोड़ा लकी अनलकी मेरे लिए था। एज अ कोच हम लोग को जब भी जज करते कि क्वालिफाई हुए नॉकआउट्स के लिए जीते के नहीं, तो वो हिसाब से हम लोग एक पॉइंट के वैसे क्वालिफाई नहीं हुए, लेकिन आई वुड से कि आई एम हैप्पी कि हम लोग के साथ जो बच्चे लोग खेले थे उसमें से 3 लोग इंडिया वर्ल्ड कप खेले लास्ट ईयर, क्या उसमें बात के है, नाम थे दिव्यांश सक्सेना, अथर्व हमको लेकर, और जयसवाल तो ऑलरेडी अच्छा खेल ही रहा था, तो इन्होंने इंडिया वर्ल्ड कप खेला और हम लोग जीत, यू नो बहुत अच्छा किया। अथर्व तो अभी उसके बाद रणजी ट्रॉफी भी हम लोग के टीम में आया था, बॉम्बे रणजी ट्रॉफी टीम में आया, और वो साल 6 से 7 लोग वेस्ट जोन कैंप्स के लिए सिलेक्ट हो गए अंडर 19 के लिए, और 3 जन सुवेद, अर्जुन तेंदुलकर, सुवेद पारकर, इन लोग सब लोग 23 में प्रोग्रेस कर दिया और उन्होंने अंडर 20 में बहुत अच्छा किया, तो वो उस बात की किधर ना किधर खुशी थी कि बच्चे लोग ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया और ये साल भी उन्होंने अंडर 23 खेला और अच्छा किया है, तो वो उस बात की बहुत खुशी है मुझे। नहीं विल्किन इसमें तो कैसा है कि अभी विल्किन से मेरे ख्याल से विल्किन सर 19 के अंडर, तो ये बच्चे लोगों के सर बन गए आप, तो डेफिनेटली बच्चे लोग ने भी काफी मेहनत की, बच्चे लोग ने भी काफी, आपने भी मेहनत किया और इंडिया कैप तक आ गए जूनियर वर्ल्ड कप वगैरह खेले, तो इसमें से ऐसा और कौन लगता है आपको कि ये इसमें तो और ऊंचा क्रिकेट जाएगा बच्चा, कुछ तो प्रेडिक्ट किया रहेगा आपने, नहीं आई थिंक मैंने जो भी नाम लिए, अथर्व हमको दिव्यांश लेकर, सक्सेना का दिव्यांश नाम लिया, वो सक्सेना, लेकर गणेश है कांपिलेवार है, वो इतना वो खेला कानपिलेवार। नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, वरुण लवंड है, जयसवाल है, सुवेद पारकर है, अर्जुन है, ये सब में टैलेंट बहुत भर भर के, और ऐसे दूसरे भी प्लेयर्स हैं जो शायद अभी 23 नहीं खेल पाए लेकिन उनपे टैलेंट बहुत भर भर के। अभी यही है कि इनको अभी एक स्टेज मिल गया, ये जो है उन्होंने ऑलरेडी इंडिया खेला और वो सबके नजर में, तो अभी अगर यहाँ पे उन्होंने अगर 1 या 2 साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया रणजी ट्रॉफी लेवल पे, तो शायद वो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक हो जाएंगे आगे आगे के लेवल के लिए, और दूसरे भी बच्चे लोग को ऐसा नहीं है कि चांस नहीं मिले, अभी भी 19 22 23 तक तो आपके पास बहुत स्पेस है इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो जैसे भी उन लोग खेलते रहेंगे बहुत इम्प्रूवमेंट होएगा, होपफुली उनको जो ऐसा टाइम शील्ड क्रिकेट और ये सब खेलने में मिलेगा, जितना और क्लब क्रिकेट ए डिवीजन खेलेंगे तो उतना और मच्योर हो जाएंगे, और ये बंदे लोग ऑलरेडी अंडर 19 में इंडिया लेवल के लिए खेलते हैं, दे आर एनी विच इज वेरी गुड, नाउ दे हैव टू कीप देयर परफॉर्मेंस गोइंग, दे हैव टू जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एट इट, तो आई एम श्योर दे उसमें से आधे से ज्यादा लोग इंडिया खेलेंगे, ये मेरी इच्छा है उनको, और ऑल द बेस्ट टू देम। इंशाल्लाह फिर से मुंबई के दिन जो बोलते हैं मुंबई 41 टाइम्स, और बीच में जो अभी हम लोग का जो पीरियड चालू है काफी क्रैशेस में चल रही है मुंबई टीम, स्ट्रगल कर रहे हैं हर चीज में हम लोग, तो ये आने वाली बैच शायद इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा हम लोग का, मुंबई विल यस कम बैक यस, अगेन। और उन्होंने ये सब बच्चे लोग ने जो अपनी अंडर 19 टीम थी राजेश पवार के अंडर बहुत अच्छी भी की है उन्होंने लास्ट ईयर, जी उन्होंने वनडे अपना फाइनल्स तक पहुंचे थे उन लोग, सो विच वाज वेरी गुड। किसी प्लेयर के बारे में कहना चाहोगे पॉजिटिव अप्रोच कोई मैच में एक्सपीरियंस के, भाई चलो सर ये मैं करके दिखाता हूँ, ऐसा कुछ एग्जांपल आपके पास बच्चे लोगों के लिए? आई थिंक प्रज्ञेश कांपिलवार ने हम लोग के एक हिमाचल के मैच में दोनों इनिंग में उसने 100 किए थे, तो विच वॉज वेरी स्टैंड आउट फॉर अस, उनके लिए हम लोग के लिए वो डू और डाई मैच था, आउटराइट निकालना ही था, और उसके बाद पोजीशन था कि दूसरे के मैचेस पे हम लोग क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे वो पता नहीं था, लेकिन उसने दोनों इनिंग में, और ठंडी थी 10 डिग्री की 8 डिग्री की सुबह को, तो वो ठंडी में जाके यू नो बैक टू बैक परफॉर्मेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट था, और फिर दूसरा एक है बॉलिंग में अर्जुन तेंदुलकर ने भी बहुत अच्छा किया था, ही वाज अ स्पेयरहेड इन फास्ट बॉलिंग अटैक, तो उसने भी यू नो वो मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग डाली थी, वो उसने एक दो मैच हम लोग उसको 2 या 3 मैच मिस करे थे इंजरी के हिसाब से, तो नहीं तो फिर शायद अगर वो पूरा सीजन रहता तो शायद हम लोग आराम से क्वालिफाई और शायद जीत भी जाते थे, तो नेवर नो, लेकिन
और अथर्व, दिव्यांश, यू नो, सब लोग ने बहुत अच्छा, ऐसा डिफिकल्ट है हर एक को ये करना, लेकिन सब लोग ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और इसीलिए उनको आगे जाके खेलने को मिला 23 के लिए, इंडिया कैंप के लिए खेले, तो नहीं तो उनको चांस नहीं मिलता। नहीं, किधर एक पर्सनल क्वेश्चन जैसा आ गया मेरा, क्या डैडी के साथ में खेलना और बेटे को कोच बनना? आई मीन मैं अर्जुन की बात कर रहा हूँ, कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? अलग ही एक्सपीरियंस है। सर एकदम शांत है, अर्जुन इज यू नो वेरी एक्टिव है, तो उसको उसको काफी बात करके रखना पड़ता है। एक्टिव इसलिए क्योंकि वो हर बार क्रिकेट में एकदम इन्वॉल्व है, उसको हर बॉल में ही वांट्स टू बी इन्वॉल्व इन क्रिकेट, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। उसको उठते बैठते सिर्फ क्रिकेट दिखता है और डिनर टेबल पे भी क्रिकेट का ही बात करेगा, तो यू नो वो ब्लड में ही है वो क्रिकेट उनका, और उसके पास वो स्पिरिट बहुत अच्छा है। तो यही है कि बहुत उसने लास्ट 2 साल में बहुत इम्प्रूव भी किया है, आप देखोगे तो उसका फिटनेस, फील्डिंग स्टैंडर्ड्स भी बहुत अच्छे हो गए, तो दैट्स व्हाई इज लाइक लास्ट ईयर भी अंडर 23 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, और ये साल अभी वो मुंबई इंडियंस के साथ दुबई में भी है, उनके स्क्वाड के साथ है, सो होपफुली ही विल डू बेटर। ये तो रहा साल अभी मुंबई क्रिकेट का, अभी आप कर रहे हो, अभी अभी लेटेस्ट अप्लाई किया है अपने कोचिंग के लिए? अप्लाई किया है लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से, ये सब जो इश्यूज के वजह से, हमारा जो अपना कोरोना का जो इश्यूज है, आई थिंक वो हिसाब से गवर्नमेंट परमिशंस मिलने के लिए सब रुके आई थिंक, तो होपफुली जैसे पता चलेगा धीरे धीरे। तो ये है, मैं एक बच्चों के लिए तरफ से पूछना चाहता हूँ, ये कुछ आइडिया है आपको एकेडमी का, कब से क्रिकेट चालू होगा या मुंबई क्रिकेट? सर डिफिकल्ट लग रहा है कुछ भी अभी तुरंत तो चालू होने के लिए डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि आप देखोगे जैसे तो महाराष्ट्र में मुंबई में केसेस बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा बहुत मुश्किल है अभी नेक्स्ट 1 मंथ में, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, एटलीस्ट जूनियर लेवल मुझे मुश्किल लग रहा है, एक बार करेंगे तो थोड़ा सीनियर लेवल कहाँ पे चालू किया, तो मिले जूनियर्स को अभी इसमें थोड़ा रिस्क उठाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, प्लस मैक्सिमम पीपल विल ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो ट्रेन अभी तक फुल फुल सर्विस चालू नहीं है, तो इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू से, लेकिन और 1 महीना तो मुझे लगता है थोड़ा निकल जाएगा। लेकिन डैडी की भी कोचिंग ली आपने और आप आज खुद कोच बने हो, तो एक तो ट्रेडिशनल कोचिंग भी करके निकले आप बाहर और आज आप एकदम क्वालिफाइड कोच हो, मींस नो ईच एंड एवरी पार्ट क्रिकेट के कोचिंग के जितने भी लूप होते हैं, प्लस वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का इतना सारा एक्सपीरियंस लेके, तो दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? फर्क ये कि मेरे डैडी को आई थिंक तब के जमाने में ऐसा कुछ टेक्निकल ऐसा कुछ नहीं था, जो आमलाडी सर थे, वासु सर थे, जो इतने साल से क्रिकेट कोचिंग में थे, तो उनको सब नॉलेज था, तो अभी कैसा है कि थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज है लेकिन आपको प्रैक्टिकली सोचना है उसको कि कैसे अप्लाई करना है, इसलिए ऐसा नहीं है कि एक ही रूल सबको लागू है, ऐसा नहीं है, इसमें हर एक क्वेश्चन का अलग अलग, हर एक के लिए हर एक क्वेश्चन का अलग अलग आंसर रह सकता है, तो हर एक प्लेयर के लिए अलग सोल्यूशन हो सकते हैं, एक ही सोल्यूशन सबको नहीं चलेगा, तो आपको वो हिसाब से प्रैक्टिकली सोच के वो बंदे के साथ या यू नो बॉय होगा या गर्ल होगा उसके साथ इंटरेक्ट करके हम लोग को उसको सोल्यूशन देना है, इसलिए वो कौन से अपने करियर के कौन से पड़ाव पे है, वो आज 16 ईयर्स वाला है तो शायद टेक्निकली ज्यादा उसको, अगर आज कोई लड़का ऑलरेडी 22 इयर्स का है तो शायद ही माइट नॉट बी एबल टू और ही माइट नॉट बी हैप्पी टू चेंज हिज टेक्निकल लॉट, तो उसको आपको स्ट्रेटेजी वाइज थोड़ा सा कुछ देना है कि स्ट्रेटेजिकली वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है, जिससे टेक्निक तो ठीक है, हम लोग ने देखा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट पे भी काफी कम टेक्निक होके भी लोग ने बहुत परफॉर्मेंस किया, तो उसमें मेंटल स्ट्रेंथ का यू नो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, यानी मेरे ख्याल से वासु परांजपे सर की जो बात कहते थे आपने मोटिवेशन, यस यस, इधर वो यानी पूरा ओवरऑल सबका कोचिंग का पैटर्न एंड देन लेटेस्ट स्टडी सब आपके काम आ गए, सो और मेरे ख्याल से हाँ, सो मुझे ऐसे लगता है कि हर एक प्लेयर को अपने कोच का सपोर्ट और बैकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, ही नीड्स टू नो दैट यू बिलीव इन हिम एंड बेसिकली कि ही विल गेट अ फेयर चांस, क्योंकि आज कैसा होता है कि आज मैं कोच हूँ तो और कोई कोच आ जाएगा, ठीक है अगर मैंने उसको कुछ बोल दिया और उसने परफॉर्मेंस कर दिया तो अच्छा है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस नहीं किया तो क्या, ही स्टिल हैज टू गो अ लॉन्ग वे, सो उसका ट्रस्ट जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, ही ऑल्सो नीड्स टू उसको भी लगना चाहिए कि नहीं ये जो बोल रहे हैं वो मेरे लिए सही है, तो वो समझाना
उसके लिए थोड़ा प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक बार बोल दिया तो समझ जाएगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसके बाद बैठ के थोड़ा सा टाइम बिता के थोड़े दिन थोड़े महीने लगते हैं वो आदमी का और आपका रैपो बनने के लिए, उसके बाद ही वो विश्वास बैठता है। लेकिन एक आज के तारीख में आप जैसे आपने पहले भी बात किया, ये पहले बात को बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्या आज पूरा क्रॉस अपना माटुंगा में के देखोगे तो 10 जगह 10 कोच आगे। पहले हार्डली 1 या 2 3 कोच ही दिखा करते थे हम लोग को। न्यू इन पे बैठे सर हमारे दादर, उधर डीपीजेड के पास बैठे हटकर सर, उधर माटुंगा ने ये लिमिटेड, और अपने पाटिल सर या वासुपरंत सर दादर टीम के गिने चुने लोग ही क्रिकेट में कोचिंग में दिखते थे। आज एक एक ग्राउंड पे चार चार पांच पांच दस दस कोच दिख रहे हैं। तो इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, तो इनके लिए क्या करना, बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स, तो इस बात पे थोड़ा मैं चाहता हूँ आप फोकस करो जरा, बहुत जरूरी है मेरे लिए। इस पे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं तो देखो, मैं खुद भी आई वाज प्लेइंग क्रिकेट बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स। सो मेरे बिल्कुल फादर काफी ये थे, और नो डाउट मेरे मॉम ने भी काफी पेन झेला है, यू नो, टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग इज वेरी लेसिंग। बट किधर ना किधर हमको रियलाइज करना है कि बच्चे को अगर इंडिया खेलना है तो उसको थोड़े साल लगेंगे, कि ऐसा नहीं है कि 2 ही साल में 3 साल में कोई भी बच्चा यू नो अंडर 19 लेवल या 23 लेवल या इंडिया के खेले। सो एवरीबडी विल टेक 10 12 ईयर्स फॉर देयर प्रोग्रेस टू, फ्रॉम से वो 8 9 10 साल की उम्र से चालू करेगा तो एक उसको 8 से 10 साल तो लगेगा वो डेवलपमेंट होने के लिए। कोई ऐसे रहते हैं जो नेचुरली टैलेंटेड रहते हैं और जो फास्ट, जी बहुत ही फास्ट ग्रोथ कर लेते हैं, जैसे हम लोग ने देखा अभी रिसेंट एग्जाम्पल पृथ्वी शॉ था, या उसके पहले रोहित शर्मा था, या सचिन सर खुद थे, के दे आर यू नो काफी नाम दूसरे भी रहेंगे, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्रिकेट ऑल्सो हम लोग देखते हैं, स्पोर्ट्स ऑल्सो हैज टू बी ट्रीटेड लाइक समथिंग लाइक व्हेन यू आर डूइंग एमबीए। अगर आप क्रिकेट बिल्कुल खेल रहे हो और अगर आपको इंडिया खेलना है तो हर दिन आपको कम से कम 4 से 5 घंटा वो गेम को देना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल ऐसे बोलोगे कि अगर जस्ट मैंने दो दो घंटा प्रैक्टिस किया और मैं 4 साल में इंडिया खेलूंगा तो मुश्किल है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे, तो आप एमबीए में जा रहे हो तो एमबीए में अगर अगर आप कोई भी कॉलेज में जाते, एक तो पहले लाखों में रुपए देते हो आप, दूसरा 6 घंटे का 5 6 घंटे का स्कूल कॉलेज करोगे अटेंड, और उसके बाद आपके पास अपना होमवर्क करोगे, और उसका गारंटी नहीं कि आपको यू नो हाई पेड जॉब मिलने वाला है, उसका कुछ गारंटी नहीं। सो इट्स एक सिमिलर, अगर मैं कंपेयर करूँ तो क्रिकेट को भी डे इन डे आउट ईयर्स यू हैव टू गिव दोज 5 6 आवर्स अ डे, नॉट जस्ट नेसेसरी क्रिकेट, फिटनेस, रीडिंग, उसके बारे में, सो थिंग्स अराउंड क्रिकेट। तो उसके बाद अगर आप सोच रहे हो तो ठीक है, लेकिन आपको उतना पीरियड 5 6 साल का तो देना पड़ेगा खुद को, और वो कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ एक अच्छा लेवल खेल पाओगे। स्कूल क्रिकेट जो है अभी का, तो ये अभी लेटेस्ट हाँ, बच्चों, नए बच्चे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे, स्कूल क्रिकेट कितना मायने रखता है करियर के लिए? आज के दिन में आई थिंक बच्चे लोगों को तो क्रिकेट का अपॉर्चुनिटीज बहुत बहुत है, अंडर 14 अंडर 12 लेवल में भी काफी क्रिकेट है, और स्कूल क्रिकेट जैसा हम लोग ने देखा है कि इट हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ बॉम्बे क्रिकेट। तो स्कूल क्रिकेट में कोई भी बच्चा 100 200 300 करता है तो वो डायरेक्ट स्टेट टीम में आ जाता है या लाइमलाइट में आ जाता है, और क्रिकेट ग्राफ भी बिल्कुल है जो काफी प्रोत्साहन देता है सब, जैसा मैं बात कर रहा था कि आप लोग भी काफी उनको प्रोत्साहन देते हो, आप उनके बारे बिल्कुल में काफी उनका स्कोर्स हाईलाइट करते हो आपके थैंक यू वेबसाइट पे वगैरह, तो उससे भी उनको प्रोत्साहन मिलता है। हमारे टाइम पे कोई तभी कुछ नहीं था, एक टाइम्स टाइम्स ऑफ इंडिया था, और दूसरे थोड़े दो तीन पेपर थे जो थोड़ा बहुत स्कोर्स करते थे, लेकिन आज स्कूल के क्रिकेट का भी कंटिन्यूसली अपडेट मिलता है आपको, अगर किधर भी है एमसीए की वेबसाइट पे भी उन लोग देते हैं। सो बच्चे लोगों को काफी यू नो अच्छा एग्जाम्पल है, एंड एट द सेम टाइम कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन उनको बच्चे लोगों को कैसा है कि दूसरे चीज का डिस्ट्रैक्शन भी ज्यादा है आज के दिन में, कि वीडियो गेम हो गया या जो सोशल मीडिया हो गया, तो अगर बच्चा थोड़ा सा फोकस करके करेगा तो आई थिंक कॉम्पिटिशन ठीक है, लेकिन क्वालिटी कॉम्पिटिशन किधर ना किधर कम है। अगर वो बिल्कुल, हार्डवर्क करेगा तो उसको प्रोग्रेस वो अच्छा कर ही सकता है श्योरली। ये एज फैक्टर के बारे में क्या बात करना चाहोगे, क्योंकि स्कूल में मैंने ऐसे भी मैचेस देखे कि एक सामने वाली टीम 20 रन में अलाउड हो गई है और बैटिंग टीम ने 500 600 रन बनाए, तो इसके बारे में कुछ, और एज ग्रुप आई में थिंक आप बोल रहे हो कि स्कूल क्रिकेट का जो शायद कोई टीम स्टैंडर्ड बहुत कैसे अच्छा है, तो स्टैंडर्ड मे बी आई एम श्योर वी कैन लुक एट जैसा रणजी ट्रॉफी का जैसा प्लेट एलीट था, तो वही सब से कुछ कर सकते हैं बिल्कुल चाहिए तो थोड़ा सा इजियर हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बट
या फिर बच्चे लोग स्कूल्स जो काफी अच्छे हैं, जो पहले शायद क्वार्टर फाइनल या प्री क्वार्टर्स तक पहुंचे, तो उनका आप एक ग्रुप कर लो या नीचे का एक ग्रुप कर लो, और फिर यू कैन कीप चॉपिंग चेंजिंग, सो दे विल प्ले अमंगस्ट वेरी गुड प्लेयर. लेकिन उसमें एक इशू ये है कि अगर कोई एक बच्चा, कोई एक अच्छे स्कूल, उनका स्कूल वीक है क्रिकेट में, लेकिन वो एक बहुत अच्छा बच्चा है, तो किधर ना किधर वो मिस आउट करेगा, तो वो एक थोड़ा सा डेलिकेट सिचुएशन है. वो एक डिस्कस करते किधर ना किधर हम लोग उसका, वी कैन टेक आउट अ सोल्यूशन. बट स्कूल क्रिकेट नो डाउट इज ब्लड लाइन ऑफ आवर बॉम्बे क्रिकेट, वहां से तो सब क्रिकेटर्स आगे आते हैं. लेकिन ये जो अभी बीसीसीआई ने जो रूल्स निकाले हैं जो एज के लिए लोग जो है छोटी एज अपने अपने आप को छोटा करके और छोटे ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं, और उसका मेरिट और डिमेरिट क्या हो सकता है, मैं ये आपके थ्रू जानना चाहता हूँ, और एज अ स्टेट कोच आप क्या कहना चाहते हो? आई थिंक जो बीसीसीआई और एमसीएबी अभी जो स्टेप लिया है, एमसीएबी काफ़ी एक्टिवली उस पर वर्क कर रहा है काफ़ी साल से, और बीसीसीआई ने जो स्टेप लिया, आई थिंक ये अच्छे डायरेक्शन में, और आई थिंक इसमें राहुल द्रविड़ सर ने भी काफ़ी पुश किया. ये एक अच्छा स्टेप है, मतलब आई थिंक व्हाट ये करता है कि सब लोग को एक लेवल ग्राउंड पे लेके आता है, कि कभी वो जो इशू होता है अगर कोई उसका गैर फायदा ले रहा था पहले, तो क्या हो रहा था कि वो शायद 2-3 साल बड़ा है, जैसा हम लोग ने उसके आज थोड़ा सा पहले बात किया कि अगर उसका फिजिकल ग्रोथ दूसरे बच्चे से शायद ज्यादा है, तो वो थोड़ा सा किधर न किधर जूनियर क्रिकेट में परफॉर्मेंस उसका हावी कर जाएगा दूसरे केस में. लेकिन लॉन्गर रन में क्या होता है कि फिर जब भी वो 20 साल का 22 साल का हो जाएगा, तभी वो किधर न किधर फिर वो जूनियर क्रिकेट में से, हम लोग क्लब क्रिकेट भी खेलते हुए दिखता नहीं है, कोई कोई बच्चे लोग उसमें से दिखते नहीं. जैसे मैंने बोला कि जब भी मैं अंडर 16 खेल रहा था, और मैं बाद में जब भी अंडर 22 23 खेल रहा था, उसमें से 40-50% बच्चे लोग दिख नहीं रहे थे, नॉट नेसेसरी बिकॉज ऑफ दिस इशू, बट ये एक किधर ना किधर प्ले कर सकता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सो, क्या कहना चाहोगे आप बच्चे लोगों को, प्रॉपर एज में खेलो. नो डाउट अगर आप अच्छे प्लेयर हो तो आप खेलोगे ही आगे, वो एक बिल्कुल 6 महीने से 1 साल से कुछ ज्यादा फर्क गिरने नहीं वाला है. काफी लोग इंडिया खेले, ऐसे नहीं कि 19 साल में ही खेले, कि 20s में भी, लेट 20s में भी इंडिया खेले. आप देखोगे तो रॉबिन सिंह भी काफी लेट एज तक इंडिया के लिए खेलते रहे, उनका फिटनेस वगैरह अच्छा था तो खेलते रहे. तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप अच्छे हो तो खेलोगे ही, जस्ट आपके खुद को बिलीव करना है और आपको हार्डवर्क करना है बस, और कुछ नहीं, खेल मेरा एक सकते हो पर्सनल आराम क्वेश्चन से. है आपको, मेरा मेरा या एक जैसे एज अ क्रिकेटर सबका रहेगा, क्या कितना एज तक क्रिकेट अच्छा खेल सकते हो, कंपटीशन क्रिकेट में आप आ सकते हो या आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल सकते हो, ऐसा कोई है पैरामीटर ऐसा या कोई कुछ नेसेसरीली लेजेंड? पैरामीटर नहीं है जलाल सर जी, क्योंकि मैं खुद जब भी मैं लास्ट मैच खेला था तभी मैं 34 ईयर्स का था. सो क्या मैंने बात कम है, बैक लास्ट जो लास्ट ईयर खेला था, तो आई वॉज 33-34 का था, और तभी मैंने लास्ट ईयर खेला करेक्ट था. करेक्ट. सो आई वुडेंट से कि ऐसा कुछ एज ब्रैकेट है. हाँ नो डाउट इफ यू हैव ब्रोक इन टू द रणजी ट्रॉफी टीम और इंडिया टीम इन अर्ली 20s, तो आपका करियर बहुत लंबा हो सकता है, जैसे हम लोग देखे हैं सचिन सर का या विराट कोहली का या रोहित शर्मा का, क्योंकि उन लोग जल्दी खेले तो उनका करियर थोड़ा लंबा रह सकता है. लेकिन ये हमारा इंडिया का है, ये एशिया का, अगर आप बाहर देखोगे तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में तो उन लोग काफी 20s के बाद मैच्योर होके आते हैं, तो ऐसा कुछ नेसेसरी रूल नहीं. आप देखोगे तो अभी काफी काफी सारा क्रिकेट है, तो अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो शायद आप नहीं तो भी लास्ट नहीं कर पाएंगे. अभी 2020 वनडे टेस्ट मैच क्रिकेट इतना क्रिकेट है सब जगह पे, तो फिटनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आई थिंक, एज से भी ज्यादा. प्रवीण तांबे ही देख लो सर, अभी वो यस वेस्ट इंडीज यस में खेल यस के आए, ये एज में भी, तो ये एज में भी वो खेल रहा है क्रिकेट कॉम्पिटिटिव, हाईएस्ट कंपटीशन लेवल पे, तो आई सीपीएल के डोंट लिए थिंक. गया था बंदा भी, यस, और उन लोग आई थिंक वो जीते थे, उसकी टीम जीती भी थी. चैंपियनशिप भी थी उसको. यस यस, यस सो देयर इज नो एज ब्रैकेट, एंड दैट प्रवीण तांबे प्रूव्स के इफ यू वर्क एट योर फिटनेस यू इट कैन डजेंट प्रूव. मैटर. ग्रेट यस, इट ग्रेट. डज हेल्प बिकॉज ही इज अ स्पिनर, बट स्टिल. लेकिन ये मैं अभी नेक्स्ट हमारा कम्युनिटी क्वेश्चन चालू हो रहा है, जो आपके फॉलोअर्स हैं वो शायद आपको कुछ पूछना चाहते हैं, तो ये हमारे क्रिकेट ग्राफ के तरफ से और हमारे जो को स्पॉन्सर है प्रोग्राम हेल्थ एनर्जी ड्रिंक के सपोर्ट से मैं बात करना चाहता हूँ अभी आपको. यस तो इसमें जो है क्वेश्चंस आपको, पहला जो है शिवम पूछते हैं आपको, हाउ हाँ टू कॉप अप विद प्रेशर एंड इंक्रेज कॉम्पिटिशन इन मुंबई क्रिकेट. आई थिंक प्रेशर तो
हमारे लाइफ में हर चीज में, हमारे लाइफ में, स्टडीज में है, घर पे है. सो प्रेशर इज समथिंग दैट वी नीड टू लर्न टू कोप अप विथ. वी पुट प्रेशर ऑन आवर सेल्फ बिकॉज वी वॉन्ट टू डू वेल. सो वो एक उसमें ही अच्छा भी है कि अगर हम लोग प्रेशर को अच्छी तरह से देखेंगे तो हमारा इट इट ब्रिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ अस. सो आई फील इफ यू बिलीव कि आपका जो प्रैक्टिस है, आपका प्लानिंग अच्छा है, आपका प्रोसेस अच्छा है, तो प्रेशर एंड कॉम्पिटिशन विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ. मतलब किधर ना किधर इफ यू आर वर्किंग हार्ड एवरी डे एंड इम्प्रूविंग एवरी डे बाय अ फ्यू परसेंटेज पॉइंट्स, देन यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी बेटर. यू हैव टू ऑलवेज यू नो वर्क हार्डर देन द अदर पर्सन. सो इफ यू आर वर्किंग हार्ड ऑन योर सेल्फ, यू आर गेटिंग बेटर, देन आई एम श्योर थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ. जस्ट द प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Next question by Rohit. Which player you think from T20 Mumbai can play IPL? आई थिंक T20 मुंबई में से काफ़ी लोग ऑलरेडी खेल रहे हैं. वी हैव सो मैनी प्लेयर्स टू प्ले. आई थिंक यू नो एवरीबडी कैन डू वेल. वी हैव पृथ्वी हु इज प्लेइंग नाउ, शिवम दुबे हु इज ब्रेक ब्रोकन इन टू द टीम. सो आई थिंक ऑलमोस्ट एनी वन कैन प्ले. देर इज नो क्वेश्चन अबाउट हु कैन प्ले. इफ दे वर्क एट देयर गेम, आई एम श्योर एवरीबडी कैन प्ले. वाई नॉट, वी हैव ऑलमोस्ट एवरीबडी इज प्लेइंग. करंट टीम में से ऑलमोस्ट सब लोग ही आईपीएल में किधर ना किधर इन्वॉल्व है. टॉप जो हमारे 10 प्लेयर है किधर ना किधर तो इन्वॉल्व है. बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन बाय ओजस. इज कांगालिक रियली दैट इंपॉर्टेंट एनीमोर? येस एंड नो. आई वुड से इट इज इम्पॉर्टेंट इफ यू टेक इट इन द राइट वे. इफ यू टेक इट के नहीं, अगर द सिचुएशन द चैलेंजेस आर वेरी चैलेंजिंग, द यू नो बारिश और ये और वो, इफ यू टेक इट इन दैट सेंस देन इट कैन बी वेरी यू नो यू कैन इम्प्रूव योर क्रिकेट अ लॉट. इफ यू आर हैप्पी टू अडेप्ट टू डिफरेंट चेंजेस. क्योंकि कांगली का जो फायदा है कि आप कभी नहीं बोल सकते कौन सा पिच है. आज सुबह को एक टाइप का पिच रहेगा, दोपहर को एक छोटा शावर आ गया, तो उसके बाद पिच बदल जाता है. तो आपको अपना गेम वो हिसाब से चेंज करना है, आपको माइंड सेट चेंज करना है, और अगर जीतना है, क्योंकि कांगालिक में एक दिन में रिजल्ट निकालना है, तो किधर ना किधर आपको अपना रिस्क भी रखना है कि यार इतने इतने रन में हम लोग को ऑल आउट निकालना है सामने वाले को, तो कैसे हम लोग उसको कभी डिक्लेयर करें कभी नहीं करें. तो वो टाइप से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और सिलेक्शन में भी मैं बोलूंगा, अगर वहां पे अगर आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हो तो आपको कंसिडर किया जाता है. मैंने देखा है लास्ट ईयर दो तीन लोग अगर कांगालिक में बहुत अच्छा करके उन लोग प्रोबेबल्स में आए थे. नो डाउट देन यू हैव टू कीप स्कोरिंग यू नो अगेन. जो भी आपके कंपनी क्लब के और मैचेस आएंगे तो उसमें आपको परफॉर्मेंस कंटिन्यू करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी आइडिया अबाउट व्हिच टूर्नामेंट विल बी द कंडक्टेड दिस ईयर इन मुंबई? लाइक विल देयर बी पोल्यूशन, विल बी देयर बी अंडर 14 एंड अंडर 16 स्टेट लेवल टूर्नामेंट दिस ईयर बाय मनोज? इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज थिंग्स अपने हाथ में नहीं है. ये सब काफ़ी गवर्नमेंट और ये जो नेशनल सिनेरियो है तो उसके उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है. बट रियलिस्टिकली आई डोंट सी एनी जूनियर लेवल क्रिकेट हैपनिंग इन 2020 एटलीस्ट. इफ थिंग्स सेटल डाउन देन यू नेवर नो. जो कॉम्पिटिशन है प्रैक्टिस वगैरह चालू हो सकता है शायद, वो उसका नहीं, लेकिन जैसे इन्होंने मैचेस का पूछा है, टूर्नामेंट्स का पूछा है, तो स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स अगर होगा तो आई थिंक आफ्टर डिसम्बर वी कैन लुक एट इट. अगर things kind of start getting better, because end of the day we want everybody to be safe, or you know the government will only take a call and our state will only take a call when all these things are good. Bacche ka life jyada important hai. 6 mahina cricket nahi khelega to chal jayega. Agla aaj ke din mein we are actually fighting for a survival in a way if you go to see. No doubt nikle ye cheez aise hai ki hum logo ko pata hi nahi, dikhta bhi nahi hum logo ko, pata nahi kaise kya, aur there's lot many effects otherwise. So this year I feel it's difficult, but never know, it will start come December, January, hopefully it, things should start. Wilkin, ये जो अभी lockdown का period रहा, अभी मैं एक ये तो community question हो गए मेरे, ये lockdown के period में आप कैसा means ये 6.5-6 महीने का span आपने कैसा निकाला, और अपने आने young cricketer को हम लोग क्या message देना चाहते हैं? आई थिंक मैंने जो किया पहला पहला 15-20 दिन 1 महीने तो ऐसे ही निकल गया, पता भी नहीं चला. इट वॉज लाइक सब लोग अरे घर पे है थोड़ा सा ये वो सिचुएशन ऐसा था कि पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है.
लेकिन बाद में थोड़ा सा यूज्ड इट टू थोड़ा सा और रिसर्च करने पे, थोड़ा और पढ़ने पे, थोड़े एक दो बुक्स पढ़े, थोड़े से और रिसर्च किया, थोड़े से हमारे जो कोच फ्रेंड्स हैं जिनको अच्छा काफ़ी नॉलेज है उनके साथ इंटरेक्शन किया, कि छोटे छोटे चीज़ें रहते हैं अगर आप डिस्कशन करोगे तो काफ़ी एक दूसरे से सीखने को मिलता है, तो वो हिसाब से काफ़ी फायदा मिला। एज अ कोच मेरे को हर दिन इम्प्रूव होना है, इफ आई डोंट इम्प्रूव देन यू नो मैं स्टैगनेंट हो जाऊंगा। सो एज अ प्लेयर ऑल्सो वी नीड टू इम्प्रूव। काफ़ी बच्चे लोग ने फोन भी किया था, उन्होंने पूछा तो यू नो दी बेस्ट यू कुड डू इज डू लॉट ऑफ रिसर्च ऑन योर क्रिकेट, लुक एट दोज पॉइंट्स विच नीड मोर इम्प्रूवमेंट, मेंटल साइड वी कुड इम्प्रूव, विजुअलाइजेशन वी कुड डू एंड इम्प्रूव। एवरीबडी इज ईगर फॉर क्रिकेट टू स्टार्ट, नो डाउट जब स्किल हम लोग एक्चुअली ग्राउंड पे करेंगे वो उसका इम्प्रूवमेंट ज्यादा आएगा, लेकिन एटलीस्ट वी आर समवेयर नॉट समवेयर डूइंग वर्क ऑन योर फिटनेस लॉट मोर। अभी थोड़ा सा ग्राउंड पे जाने को अगर अवेलेबिलिटी हो गया तो हम लोग जाके ग्राउंड पे थोड़ा फिजिकल मेहनत कर सकते, तो वो पार्ट एटलीस्ट हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमारे क्रिकेट ग्राफ के बारे में एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि आप तो उसको देखते हो अभी, आप इंटरव्यू भी दे रहे हो हमारे लिए, और कितने बार मेरे ख्याल से आपका भी जिक्र क्रिकेट ग्राफ के ऊपर है, आपका भी आर्टिकल आ चुका होगा। तो ये हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी गरीब बच्चे लोग हैं जो अपकमिंग क्रिकेटर्स हैं जिनकी माली हालात नहीं है, या अपने हमारे क्रिकेटर के अलावा जो भी ग्राउंड स्टाफ होता है सपोर्ट सब काफ़ी बड़ा हम लोग का ही है, क्रिकेट का सिर्फ प्लेयर नहीं है, उसके साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, और ये क्राइसिस भी चल रहा है। तो हम लोग ने क्या किया कि जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं, जितने भी वेल नोन प्लेयर्स हैं, वो क्या करते हैं कुछ अपनी चीज़ों को ऑक्शन में देते हैं, और वो ऑक्शन हम लोग अपने क्रिकेट ग्राफ के माध्यम से करते हैं, और जो भी उसको ऑक्शन के बाद जो चीज़ जाती है, जो हम लोग को फंड आता है, उससे हम लोग उनकी फीस बोलो, हम लोग उनको हर तरीके की मदद करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा जो प्रयास चल रहा है इसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, बहुत बहुत अच्छा प्रयास है, एंड आई होप यू हैव लॉट ऑफ सक्सेस इन दैट, क्योंकि आज हर एक को किधर ना किधर थोड़ी मदद अगर हम लोग कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। अगर वो उस चीज़ से अगर कुछ अपने करियर में थोड़ा अपने लाइफ में किधर ना किधर इम्प्रूवमेंट लेके आ सकता है, सो आई थिंक क्रिकेट ग्राफ को यू नो फुल मार्क्स फॉर दैट, क्योंकि ये चीज़ें करनी ईजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। सब लोग से आप जो कर रहे हो कि सब लोग से जमा करना और फिर उसको ऑक्शन करना, ये प्रोसेस भी काफ़ी इजी नहीं है, और बच्चे लोग को खास करके अगर फायदा होगा उससे तो बहुत ही अच्छा है। मतलब आज हर एक को किधर न किधर थोड़ी मदद की ज़रूरत है, सो फुल फुल मार्क्स टू यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। चलते चलते हमारे टीम के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्रिकेट ग्राफ के लिए कोई मैसेज, कोई सजेशन? नहीं, जैसे मैं आपके टीम के साथ बात कर रहा था कि आई थिंक 5-6 साल हो गए आपके कंपनी को एक्टिव होके, लेकिन लास्ट 2-3 साल में आपने जितना ग्रोथ किया, आई थिंक क्रिकेट ग्राफ एक बॉम्बे क्रिकेट में तो मेरे को जितना पता है कि एक हाउस होल्ड नेम हो गया अगर क्रिकेट ग्राफ, तो हर एक बंदे को पता है कि क्रिकेट ग्राफ क्या है, एंड इट्स और आप जितना प्रोत्साहन दे रहे हो हर एक को आर्टिकल्स लेके आके उनका परफॉर्मेंस हाईलाइट करके, और अभी रिसेंटली आपने जैसा काफ़ी वेबिनार्स करके टेक्निकल अपडेट्स भी दिए हैं काफ़ी लोग को, उन्होंने उनको लाइव लाइव क्वेश्चन आंसर में भी काफ़ी हेल्प किया है, तो आज के दिन में आई एम श्योर यू क्रिकेट ग्राफ भी हैज़ बीन अ वेरी गुड मीडियम फॉर एवरीबडी टू लर्न न्यू थिंग्स, इंटरेक्ट विथ लॉट ऑफ अदर पीपल एंड लर्न फ्रॉम देम, बिकॉज फिजिकली क्रिकेट चालू नहीं है, लेकिन एटलीस्ट थ्रू दिस कुछ ना कुछ क्रिकेट से जुड़ा, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए उनको चांस मिला है। बिल्किन, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और बहुत सारे एक्सपीरियंस मीन्स अपना न्यू इन ग्राउंड से लेके तो साउथ अफ्रीका तक, फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक, आईपीएल तक, प्लस कोचिंग तक, तो बहुत सारा एक्सपीरियंस आपने हमारे बच्चों के साथ में शेयर किया, हमारे लोगों के साथ में शेयर किया, तो इसके लिए मैं अपना तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और आने वाले समय में मैं आपको शुभकामना देता हूँ, और इससे भी अच्छे अच्छे असाइनमेंट करें, अच्छा क्रिकेट खेले और हमारे क्रिकेट ग्राफ से जुड़े रहे, और चलते चलते ये जो क्राइसिस चल रहा है, पेंडेमिक जो है अभी, कोरोना जो चल रहा है, तो मैं पूरे दर्शकों को भी कहना चाहूँगा, बच्चों को भी कहना चाहूँगा, भाई गवर्नमेंट गाइडलाइन को फॉलो करो, मास्क लगाइए, और कॉन्फिडेंस मत रहिए, बाउंसर है उसको डक कर दो, हर वक्त हुक नहीं मार सकते हैं, तो टेक केयर, स्टे ब्लेस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, ऑल द वेरी बेस्ट सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।